ఢిల్లీలో జరిగిన సబియా సైఫీ నిర్భయ ఘటనను నిరసిస్తూ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో స్థానిక ఎన్టీఆర్ చౌక్లో ఆదిలాబాద్ యూత్ కొవ్వొత్తులతో నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు యువకులు పాల్గొన్నారు. हथियारों को फांसी दो, हथियारों को फांसी दो, हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, हथियार के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हथियार के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, हथियार के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, हथियार के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस. देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 27 अगस्त को जो सबिया सैफी की जो वारदात हुई, जिनका गैंग रेप और ब्रूटल मर्डर हुआ, सिविल डिफेंस पुलिस ऑफिसर रहने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर एक वुमेन कॉन्स्टेबल का रेप होना, मर्डर होना और देश की सड़कें कितनी सुरक्षित है ये आपको पता चल ही गया होगा. आज पार्लियामेंट के अंदर निर्भया एक्ट पास होने के बाद और कहीं रेप के ऊपर एक्ट पास होने के बाद आज भी दिल्ली के अंदर ऐसी वारदातें हो रही हैं, ये देश के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक ये बात है. हम नरेंद्र मोदी अमित शाह से ये कहना चाहते हैं कि जब तक इस देश के अंदर नारी सुरक्षित नहीं है, उस देश की तरक्की कैसे होगी. हम आपसे चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इसके कानून बनाए जाए, इसके लॉस बनाना चाहे लॉस बनना चाहिए. दिल्ली के अंदर हर 3 से 4 घंटे के अंदर एक लड़की का रेप होता है, उसे मारा जाता है, उसे काटा जाता है. यही देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है. हम ये दिल्ली गवर्नमेंट से बात कहना चाहते हैं कि आप अगर नारी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो रिज़ाइन कर दीजिए और आने वाले दिनों में नारी की सुरक्षा के लिए नए नए कानून बनाइए जिससे नारी इस देश में सुरक्षित रहे. और जो 4 लोग इस मर्डर और रेप में मुलविस थे, इनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के अंदर इनका मुकदमा चलाया जाए और उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए.